ये जो हमारा वीडियो है ये आज स्टेक आउट के ऊपर है। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है TC405। तो इंस्ट्रूमेंट ऑन करने के बाद ये हमारा मेन पेज है, यहाँ पे ये F1 के ऊपर प्रोग्राम है। तो F1 की कीप प्रेस करके मैं इसके अंदर इंटर होता हूँ। तो इसके अंदर ये सेकंड ऑप्शन जो है वो स्टेक आउट है, तो मैं F2 प्रेस करके स्टेक आउट करता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे जॉब भी सेट करूँगा, डायरेक्टली मैं F4 से इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं यहाँ मैन्युअली इसके अंदर पॉइंट इनपुट करूँगा स्टेक के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी सेम है तो आप यहाँ से जाके नाम लिख के उसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैन्युअली यूज़ करने वाला हूँ। तो F4 की प्रेस की और उसके बाद ये मैनुअल है F3 के ऊपर, तो मैंने F3 प्रेस किया और उसके बाद मैं इसमें मैनुअली पॉइंट को इंटर करूँगा। तो इंटर करने के लिए आपका ये F1 के ऊपर इनपुट है, तो मैं F1 प्रेस करता हूँ और उसके बाद इसमें पहले ईस्टिंग है, फिर नॉर्थ और फिर हाइट है। तो ईस्टिंग के लिए मैं, आप देखिए मेरे पास 523 है, तो 5 के लिए F2 प्रेस करूँगा और ये नंबर 1 पे F1 पे और 5 आ गया है 5। और उसके बाद 2 के लिए ये आप देखें F1 और देन F2 523 एंड देन 277 और 2 के लिए दोबारा ये 7 एंड देन अगेन 7.339 3 3 एंड देन 9। और दब इंटर की प्रेस की मैंने, उसके बाद इसमें नॉर्थिंग इनपुट करता हूँ 3 1 8 5 4 2 एंड देन 6.855। उसके बाद इंटर, और मुझे हाइट की ज़रूरत नहीं है लिहाजा मैं हाइट में इसमें इनपुट नहीं करूँगा, लिहाजा मैं इसको ओके करता हूँ। और उसके बाद जो इसकी हॉरिजॉन्टल अजमत है इसको मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। तो ये स्लो मोशन स्क्रू से मैं इसको ज़ीरो करता हूँ। ज़ीरो करने के बाद मैं अपने टारगेट को फोकस करता हूँ। मैं अपने असिस्टेंट को अलाइन में कराऊँगा। अलाइन करने के बाद आप प्रिज्म को फोकस करेंगे और उसके बाद ये मेरे पास F2 की है, F2 की से मैं इसमें डिस्टेंस प्रेस करूंगा। तो ये मेरे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि 1 मीटर और 46 सेंटी मुझे पीछे की तरफ जाना है। इसके बाद दोबारा मैं अलाइन कराऊंगा और प्रिज्म को फोकस करूंगा। इसके बाद सेम मैं F2 से डिस्टेंस प्रेस करूंगा और ये 0.5 मीटर मुझे आगे आना है। मैं दोबारा फोकस करता हूँ प्रिज्म को और F2 से डिस्टेंस की करते हैं भैया। बहुत इस वक्त गले बोला ट्रेन नहीं होगा। फाइव सेंटी
सो हमारा एक सेंटी रह गया है, तो मेरा ये रफली से पॉइंट है, तो मैं एक सेंटी के ऊपर इस तरह स्टेक आउट से ये पॉइंट लगा लेता हूँ। तो ये एक तरीका था कि आप लाइका TC405-2 के अंदर स्टेक आउट में कैसे पॉइंट लगाते हैं। उम्मीद है कि मैंने ये क्लियर कर दिया होगा, और इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।